हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और जुलाई मंथ जो है, यह पूरा महीना वी सेलिब्रेट एज अ आईवीएफ मंथ और फर्टिलिटी मंथ। यह जो मंथ है, इसमें मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी कि आपको आईवीएफ के रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेरीज रूटीनली आते हैं वह हम सॉल्व कर सकें। जैसे बहुत ही कॉमन समस्या होती है कि एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है कि आईवीएफ हो गया है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद अगर थोड़े भी मासिक के दाग गिरते हैं या तो थोड़ा भी अगर ब्लीडिंग शुरू होता है तो पेशेंट एकदम पैनिकी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक के बारे में मैं विस्तारित रूप से चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए, आज मैं बताने वाली हूँ कि आईवीएफ के दौरान या तो आईवीएफ होने के बाद, प्रेगनेंसी रुकने के बाद जो इनिशियल टाइम है, जो अर्ली प्रेगनेंसी का समय है, पहले फर्स्ट 3 मंथ्स का जो समय है, वो दौरान अगर आपको ब्लीडिंग या तो मासिक के दाग गिरते हैं तो आपको उसके बारे में एक जानकारी मिलेगी, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और अगर आपको ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपकी आईवीएफ प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, उसके बाद जनरली ऑर्किड आईवीएफ सेंटर में हम लोग प्रीफरेबली 5th डे जो ब्लास्टोसिस्ट हम कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं और उसके 15 डेज के बाद आपकी बीटा एचसीजी की ब्लड रिपोर्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, बीटा एचसीजी का रिपोर्ट के लिए टाइम है, 15 डेज नहीं हुए हैं और बीच में अगर आपको खून के दाग गिरते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर के लाइनिंग में, वो समय पे इवन नेचुरल किसी को कंसीव हुआ है तो उनको भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। और सेम वही हिसाब से अगर आईवीएफ हुआ है और इम्प्लांटेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, वो समय पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा है कि जैसे 15 डेज के बाद आपका बीटा एचसीजी का रिजल्ट आ गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है क्योंकि जनरली आईवीएफ प्रेगनेंसी जो है उसमें हॉर्मोन्स का जो सपोर्ट दिया जाता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट दवाई लेना भूल जाते हैं या तो उसके जो सपोर्टिव एचसीजी इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं उसका टाइम चेंज हो जाता है। सडनली आपके ब्लड में जब भी यह जो प्रेगनेंसी के हॉर्मोन है, जो ठंडक के इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको, वह आप लेना भूल जाते हो या टाइमिंग में कुछ ऑल्ट्रेशन होता है तो सडनली वो हॉर्मोन लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से भी कभी कभी, जिसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं रूटीनली, वैसी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। दूसरा है कि स्ट्रेस फैक्टर, काफ़ी बार मैंने सुना है कि पेशेंट एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं। जनरली एट ऑर्किड आईवीएफ सेंटर हम लोग कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइज नहीं करते हैं क्योंकि जिन पेशेंट का आईवीएफ होता है बेसिकली वो लोग हेल्दी पर्सन है, उनको कोई डिजीज नहीं है। स्पेशली उनको ध्यान रखना है कि जब भी कंप्लीट बेड रेस्ट पर आप चले जाते हो तो कंटिन्यूस आपके जो थॉट प्रोसेस रहती है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा या तो कैसे आगे का समय कैसे निकलेगा, तो यह सब जो बातें रहती हैं उसकी वजह से स्ट्रेस स्वाभाविक है कि आ जाएगा और इसकी वजह से भी कभी कभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो सकते हैं और ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे बताना है कि यह जो रीजन्स है, एक अर्ली ब्लीडिंग हो सकता है, दूसरा है कि केमिकल प्रेगनेंसी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन हो गया है या तो आपकी जो मेडिसिन वगैरह आपको दी गई है ड्यूरिंग आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र,
सो काफ़ी बार हम देखते हैं कि 30, 35, 50 ऐसा बीटा एचसीजी के लेवल्स आते हैं जिसे जनरली हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं कि एक्चुअल देर इज़ नो प्रेगनेंसी, लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ द मेडिसिन जो आप इंजेक्शंस वगैरह लेते हो उसकी वजह से आपके ब्लड में बीटा एचसीजी का वैल्यू थोड़ा बहुत हाई दिखाता है. सो यह भी एक रीज़न होता है कि इसके बाद आपका बीटा एचसीजी हुआ है, फॉर एग्जांपल 30 बीटा एचसीजी आ रहा है और आफ्टर 2-3 डेज में भी आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है कि जो भी पेशेंट हैं जिनका IVF के बाद प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो यदि आपको ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है या तो पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल्द ही आपको हॉस्पिटल पहुंचना है. जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि इन केस आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है तो आपको या इटोसिस करके या जो भी ट्रेनेक्सा मेडिसिन दी जाती है, प्लस ड्यूफास्टोन वगैरह जो है सपोर्टिव मेडिसिन है, प्लस प्रोजेस्ट्रॉन वजाइनल पेसरीज है, यह सब मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है. कौन सी मेडिसिन इमरजेंसी में आपको लेनी है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिटी के जो पेशेंट्स हैं उनको भी वह हिसाब से गाइड किया जाता है. लेकिन यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो आपको, अगर आप लोकल या सिटी के हैं तो हॉस्पिटल इमीडिएटली पहुंचना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर सेपरेशन हो जाता है, जो बच्चा इम्प्लांट हुआ है प्रेगनेंसी ग्रो कर रहा है, और कभी कभी हम देखते हैं कि सब कोरियोनिक हेमरेज यानी जिसे हम सादी भाषा में सेपरेशन कहते हैं, तो अगर बच्चा यूट्रस का जो अंदर लाइनिंग है वहाँ से सेपरेट हुआ है, इफ़ इट इज़ लेस देन 50%, तब चांसेस रहते हैं जिसे हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं. सो तभी चांसेस रहते हैं कि हम थोड़ा मेडिसिन वगैरह दे के उसे सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लेट करते हो, हॉस्पिटल आने में लेट हो जाता है, इफ़ इट इज़ मोर देन 50% सेपरेशन, तब बहुत मुश्किल होता है कि यह प्रेगनेंसी को हम बचा सके. लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी अपने जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, अपनी जो विल पावर है, प्लस पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अल्टीमेटली यह एक टीम वर्क है. मेडिसिन हम यहाँ से लिख के देते हैं, लेकिन पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन लेना है, हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करना है, और स्ट्रेनियस वर्क जो है कि जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह है, ऐसे सब अवॉइड करना है. आप अपना जो रूटीन वर्क है जैसे खाना बनाना वगैरह जो काम है वह आप फॉलो कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं. यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनका IVF ट्रीटमेंट हो चुका है, उनको ऐसी कोई समस्या है, तो उनको आप ज़रूर से यह वीडियो शेयर कर सकते हो. और तो सब जो भी पेशेंट्स हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है या तो हो चुका है और यह वीडियो सुन रहे हैं, तो उनको स्पेशली मुझे मैसेज देना है कि अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो टाइम टू टाइम आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है. और जब भी ऐसी समस्या आती है तो आपके नज़दीक जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका आप संपर्क कर सकते हो. थैंक यू फ्रेंड्स.